गोविंदा के पैर में गोली लगने की बात पता चलने के बाद से कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लोग इस बात पर कम विश्वास कर रहे हैं जो गोविंदा के मैनेजर ने बताई है। गोविंदा के मैनेजर का कहना है कि कोलकाता जाने से पहले गोविंदा अपनी रिवॉल्वर को बैग में रख रहे थे और तभी अचानक उनके हाथ से गन छूट गई और गोली चल गई। गोली सीधा गोविंदा के पैर में लगी। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के मन में लाखों सवाल खड़े हो गए हैं। आइए जानते हैं कौन से सवाल हैं वो। सबसे पहला, सुबह 4:45 में मुंबई से कोलकाता जाने की तैयारी कर रहे गोविंदा अपने लाइसेंस रिवॉल्वर साफ करने लगते हैं। दूसरा सवाल उठ रहा है कि गोविंदा अपने साथ रिवॉल्वर कैसे ले जा सकते हैं, फ्लाइट में गन ले जाने की अनुमति नहीं होती है। तीसरा, पत्नी सुनीता के पास जाने के लिए गोविंदा को रिवॉल्वर रखने की क्या जरूरत पड़ी। चौथा, मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले ही गोविंदा को अपने रिवॉल्वर साफ करने का ख्याल क्यों आया। पांचवा, कोलकाता जाने के लिए एक्टर अपने साथ गन क्यों ले जा रहे थे। छठा, क्या सच में गोविंदा को गलती से गोली लगी या फिर इसके पीछे कोई और राज है। आपको बता दें कि गोविंदा को गोली लगने को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें की जा रही हैं। लोग कई तरह के सवाल कर रहे हैं। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि गोविंदा के साथ ये सब गलती से नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे कोई और बात भी हो सकती है। फिलहाल इस घटना पर आपको क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अपनी राय जरूर बताएं।